दोस्तों आज के इस एपिसोड में आपको नॉर्थ कोरिया की कुछ ऐसी सच्चाइयां दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ऊपर वाले को धन्यवाद जरूर करेंगे कि आपको उस देश में जन्म नहीं मिला। तो बने रहिए आज के हमारे इस सच्चाई भरे एपिसोड के साथ। आप जानते हैं कि हेयर डिजाइनर का काम बहुत अच्छा होता है और बहुत से क्रिएटिव लोग ही हेयर डिजाइनर बन पाते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया की कहानी कुछ अलग ही है। यहाँ कोई भी अपनी मर्जी से हेयर डिजाइनर भी नहीं बन सकता। दोस्तों यहाँ बार्बर बनने का मौका सिर्फ उसे दिया जाता है जो कसम खाता है कि सरकार के नियम अनुसार ही सबके बाल काटेगा। और अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि बाल काटने वाले का सरकार के साथ क्या कनेक्शन है, तो हम आपको बता दें कि अगर किसी को हेयर डिजाइनर की दुकान खोलनी है तो उसे 28 हेयर कट के अलावा कोई और कट करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं होती। जी हाँ, यहाँ का हेयर कट भी सरकार ही डिसाइड करती है। और दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए हम यहाँ पर आपको बता दें कि इस 28 हेयर कट में से 18 लड़कियों के लिए हैं और 10 लड़कों के लिए हैं। और अगर कोई भी इंसान या हेयर कट करने वाला कोई और डिजाइन कर दे तो उसकी मौत पक्की है। वहाँ की सरकार का साफ कहना है कि जो हेयर डिजाइन सरकार ने रखे हैं उन्हीं में से कोई एक आपको हेयर कट रखना होगा। और आप ये बात भी जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि तानाशाह के जैसा डिफरेंट हेयर कट रखने की गुस्ताखी पूरे नॉर्थ कोरिया में कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि तानाशाह जैसा हेयर कट रखना वहां पर सख्त मना है। इस देश में लोगों के बीच में तानाशाह का इतना डर है, इतना ज्यादा खौफ है कि कोई भी तानाशाह के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं बोलता। और आप ये बात भी जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि पूरे नॉर्थ कोरिया में कोई भी लड़का कभी भी लंबे बाल नहीं रख सकता और महिलाओं को भी शादी के बाद लंबे बाल रखने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आपको पूरे नॉर्थ कोरिया में कभी भी किसी के लंबे बाल नहीं दिखेंगे। तो क्या आप अपना देश छोड़कर ऐसे देश में रहना पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हमारे देश में आपने जब भी ट्रैफिक सिग्नल पर पुलिस वालों को देखा होगा तो आपको 99% मेल पुलिस वाले ही दिखे होंगे, लेकिन नॉर्थ कोरिया की बात कुछ अलग है। यहाँ आपको हर जगह महिला पुलिस ही दिखेगी और इन खूबसूरत महिला पुलिस का चयन कोई और नहीं बल्कि खुद तानाशाह किंग जॉन करते हैं। हर साल 300 महिलाओं का चयन किया जाता है ट्रैफिक पुलिस के लिए। और हम यहाँ पर आपको बता दें कि महिला पुलिस को ट्रैफिक पुलिस जॉब के लिए अच्छी लंबाई होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत होना भी बहुत जरूरी है। और इन 300 ट्रैफिक पुलिस महिलाओं का चयन तानाशाह खुद पर्सनल मिलकर करते हैं। और आप जानकर हैरान होंगे कि इन ट्रैफिक पुलिस महिलाओं को 26 साल की उम्र में ही रिटायर कर दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 26 साल की उम्र में रिटायर कर दिया तो इन्होंने जॉब की ही कितनी, तो हम आपको बता दें दोस्तों कि नॉर्थ कोरिया में 16 साल की महिलाएं जो है ट्रैफिक सिग्नल पुलिस के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और जो लड़की तानाशाह किंग जॉन को पसंद आती है उसी लड़की को ये जॉब जो है दी जाती है। आपको बता दें कि तानाशाह एक बहुत ही रंगीले किस्म के आदमी हैं, ट्रैफिक पुलिस महिलाओं को रोड पर कैटवॉक भी करवा कर देखते हैं। तानाशाह इस देश के किंग है, इनके खिलाफ कोई भी कुछ बोलने की गुस्ताखी कभी भी नहीं कर सकता। दोस्तों इस देश में लोगों को बहुत अजीब अजीब काम भी दिए जाते हैं जिसे जानकर आप लोग भी बहुत ज्यादा हैरान होंगे, जैसे कि पत्थर की सफाई, मतलब कि स्टोन पॉलिश। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने शूज पॉलिश तो सुना है, ये स्टोन पॉलिश क्या है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ की सरकार कुछ लोगों को पत्थर सफाई का काम भी देती है, जो कि सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पत्थर की सफाई ही करते रहते हैं। ज़्यादातर ये काम उन लोगों को या उन महिलाओं को दिया जाता है जो महिलाएँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है या तो जिन महिलाओं की बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी है। एक जर्नलिस्ट ने एक रोड पर एक बुजुर्ग महिला को
पत्थर की सफाई करते हुए फोटो क्लिक कर ली थी। अगले दिन ही उस जर्नलिस्ट को जान से मार दिया गया। मतलब कि इस देश के रूल इतने ज्यादा सख्त हैं कि अगर आपने सरकार के रूल के खिलाफ कुछ किया तो आपकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसा करने पर आप लोग ऊपर ऊपर वाले की कृपा आनी शुरू हो जाएगी। यकीन नहीं होता तो अजमाकर देख लीजिए। अब दोस्तों, आप लोगों को मैं एक और बहुत अजीब जॉब के बारे में बताता हूँ जिसे जानकर आप काफी ज्यादा हैरान होंगे। और ये जॉब ओनली नॉर्थ कोरिया के लोग ही कर सकते हैं। और जॉब है दोस्तों मूर्ति बनाने का काम। अब जो मूर्ति बनाने वाले कलाकार होते हैं उनका पूरा हक होता है कि वो जिस तरह की मूर्ति बनाना चाहते हैं वो उस तरह की ही मूर्ति बना सकते हैं, चाहे ये हमारे देश की बात हो या किसी और बाहर के देश की बात हो। पर नॉर्थ कोरिया में दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मूर्तिकारों द्वारा सिर्फ तीन तरह की ही मूर्ति बनाई जाती है, बाप, दादा और खुद तानाशाह की मूर्ति। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इन तीनों की मूर्तियां बनाकर ये जो है दिन में कितना कमा लेते होंगे। तो हम आपको दोस्तों बता दें कि नॉर्थ कोरिया देश में 40,000 से ज्यादा इन तीनों की मूर्तियां हैं और यहां के मूर्तिकार 16-16 घंटे इन तीनों की ही मूर्तियां बनाते रहते हैं। और हम आपको बता दें दोस्तों कि यहां के मूर्तिकार अपने इस काम से बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि इनका ये काम बहुत अच्छा नॉर्थ कोरिया में चलता है। और अगर मूर्तिकारों के द्वारा किसी और मूर्ति बनाने की कोशिश की गई तो उनका जीवन खतरे में आ जाएगा। दोस्तों, अगर लड़कियों की बात हो तो बहुत सारे राज छुपे होते हैं और यही कुछ कहानी है पूरे नॉर्थ कोरिया की। तानाशाह के पिता किंग जॉन ने 14 लड़कियों का ग्रुप रखा हुआ था जिन्हें एंटरटेनर कहा जाता था। और इन लड़कियों का ये काम था कि अगर किंग जॉन इन लड़कियों को अपने रूम में बुलाए तो ये लड़कियां किंग जॉन का पूरा मूड बना दे। अब आप समझ गए होंगे कि इन लड़कियों का क्या काम था। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और कहा जाता है कि ये लड़कियां किंग जॉन के लिए डांसिंग और सिंगिंग भी करती थी। किंग जॉन के मरने के बाद इन लड़कियों को इज्जत के साथ रिटायर कर दिया गया और साथ में $4,000 भी दिए गए अपना मुंह बंद रखने के लिए। और दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि तानाशाह भी अपने पिता की लाइन पर ही चल रहा है। तानाशाह ने भी बहुत खूबसूरत लड़कियों का एक ग्रुप रखा हुआ है जो कि तानाशाह को फुली एंटरटेन करती हैं। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सुनकर आप अपने दोनों हाथ अपने सर पर रख लोगे। आप लोगों ने सुना होगा कि तानाशाह एक बहुत ही खतरनाक आदमी है, पर दोस्तों हम आपको बता दें कि तानाशाह से भी ज्यादा खतरनाक इसका पिता किंग जॉन था। किंग जॉन को हर काम के लिए पूरी तरह से परफेक्शन चाहिए होती थी। अगर कोई भी काम किंग जॉन के लिए हो रहा है तो उसको गारंटी लेनी होती थी कि ये काम 100% हो जाएगा और अगर नहीं हुआ तो उसकी मौत पक्की है। आप लोगों को दोस्तों बता दें कि किंग जॉन एक बहुत ही खतरनाक आदमी था और किंग जॉन ने एक जॉब निकाली थी जिसका नाम था राइस इंस्पेक्टर। दरअसल दोस्तों, किंग जॉन को चावल बहुत ज्यादा पसंद थे और सुबह शाम सिर्फ चावल ही खाता था, इसलिए इसने राइस इंस्पेक्टर की जॉब निकाली। और इस राइस इंस्पेक्टर को चावल की प्लेट का एक एक दाना अच्छे से चेक करना होता था कि चावल का दाना कोई खराब ना हो। लेकिन दोस्तों, आप खुद ही सोचिए ये किस तरह का काम है, एक एक चावल का दाना चेक करना, कितना ज्यादा ध्यान लगाना पड़ता होगा। क्या आप ऐसी जॉब करना पसंद करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब अंत में दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और बहुत अजीबोगरीब काम के बारे में बताते हैं और वो है फैशन पुलिस। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये फैशन पुलिस का क्या काम है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये फैशन पुलिस नॉर्थ कोरिया के किसी भी एक हिस्से में जाकर चेक करती है कि तानाशाह के बनाए गए रूल सभी फॉलो कर रहे हैं या नहीं। और क्या दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी इंसान जीन्स नहीं पहन सकता, यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर टोटली बैंड है।
और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि ये फैशन पुलिस कॉलेज स्कूल में जाकर देखती है कि किसी ने कोई लंबे बाल तो नहीं रखे, किसी ने जीन तो नहीं पहनी, कोई अपनी मर्जी से कोई स्टाइल तो नहीं कर रहा। दोस्तों ये जो भी बहुत अजीब है, और गलती से अगर किसी ने भी इनका ये काम तोड़ दिया तो उसको जेल में डाल दिया जाता है और उसकी जिंदगी बिल्कुल नर्क कर दी जाती है। ये नॉर्थ कोरिया वाले दोस्तों किसी के भी सगे नहीं है, और इस चीज में यहाँ की जनता का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि दोस्तों एक ही परिवार की बहुत समय से गुलामी करते करते यहाँ की जनता को भी इनकी गुलामी करने की आदत पड़ गई है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी, और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको हमारी आज की ये वीडियो किस तरह की लगी।